फिलहाल हम पहुंच चुके हैं हमारे ठंडे पानी की ये भूमि, देवताओं की ये भूमि, देवभूमि मेरा आगे तू भूमि, ऊंचे हिमालय की ये भूमि, ठंडे पानी की ये भूमि, देवताओं की ये भूमि। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? विश्वास करते हैं मस्त होंगे और अब लोग भी बिल्कुल शादी बरातों का खाना खा के आजकल बिल्कुल मस्त हो रखे हैं। और सो गाइस, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है तोप गांव से। और तो गांव में हमारा रैन बसेरा होता है धीरू भाई के घर, और फिलहाल तो नाश्ता करने का सीन हो रहा, फिर बताते आपको आगे। फिलहाल धीरू भाई के घर में और चाचा जी ने लगा दिया हमारे लिए नाश्ता, रोटी बिल्कुल गर्मा गर्म, और नाश्ता पे टूट पड़ेंगे कैलाश भाई और पंकु भाई तोपाल जी अपने। धीरू, ये पीछे जो घर दिखाई दे रहा है ये है धीरू भाई का घर। जब भी हमारा मतलब इस गांव में आना जाना होता है तो हमारा बिल्कुल होम स्टे यही होता है धीरू भाई के घर में। बारात तो निपट चुकी है हमारी कल रात, और जो आज का सीन रहेगा फिलहाल वो ये रहेगा कि धारा पूजन होगा और उसके बाद हम चलेंगे कर्ण प्रयाग। और फिलहाल नाश्ता की थाली सज चुकी है हमारी, और खाने में है रोटी हो गया, सब्जी हो गया और दही। बिल्कुल मस्त और मज़ेदार नाश्ता हुआ हमारा धीरू भाई के घर में, और अब निकलना है हमें जहाँ शादी में आ रखे हैं महावीर भाई के घर, और वहाँ होगा धारा पूजन। जो महावीर भाई की बुआरी होगी वो पूजेगी आज जो नया धारा है उसको। फिलहाल हैं हम अभी तोप गांव के बीचों बीच, और आजकल गांव में चल रहा है गेहूँ की लवाई मंडाई। फिलहाल हम अभी हैं तो गांव के मेन गेट पे, जहां से गांव का ऊपर का रास्ता भी शुरू होता है और नीचे जाने का रास्ता भी यहीं पे से शुरू होता है। तो गाइस, अगर तोप गांव की बात करें तो बिल्कुल देख सकते हो आप, काफ़ी डेवलप हो रखा है गांव, और पलायन बिल्कुल बहुत कम हो रखा है इस गांव से। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं महावीर भाई के घर में, और देखते हैं दुल्हन तैयार हो रखी होगी तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा वेट कर लेंगे और फिर चलते हैं धारा पूजने। फिलहाल धारा पूजन की प्रोसेस हो चुकी है कंप्लीट, क्योंकि पहाड़ों में जो भी नई दुल्हन आती है तो सबसे पहले उनका धारा पूजन होता है, मतलब रात के रिसेप्शन के बाद धारा पूजन। पहाड़ों में वेडिंग का एक लास्ट प्रोग्राम बच जाता है लड़के का, धारा पूजन का, और धारा पूजन होता है हमारे पहाड़ों में लास्ट दिन, जिस दिन दुल्हन आती है घर में। तो पहाड़ों में एक रस्म है कि जब दुल्हन धारा पूजते हैं तो दो दुल्हन के साइड से आए रहते हैं, उनकी बहन जो भी आए रहते हैं, तो वो धारा पूजन का उनको कुछ सुन देना पड़ता है। धारा पूजन रस्म हो चुकी है और अब जाना पड़ेगा सबसे पहले मंदिर में, गुर्जा माता के मंदिर में, जो कि तोप गांव का मंदिर है, और वहाँ होगी पूजा और फिर चलते हैं घर। देवभूमि यानी देवों का घर, यम देवों के छाव में है बेफिकर से, ऊंची आवाज में देवों को पूजते, डरते मसाड़ क्योंकि हम उत्तराखंड से, पैर जमी पे पर फिर भी ऊंचाई में रहते हम, ठंडी हवाओं का नशा मैं खींचू तम, बढ़ती जा रही है ये आग, हूँ मैं पहाड़ से स्ट्रेट आउट ऑफ पहाड़, स्ट्रेट आउट ऑफ पहाड़, मैं सपनों की रेस में चूम लू आसमान, इन पर्वत की चोटी से रुकते नहीं नदी जैसे हम है लहरे, बहते ही जा रहे हम भाई सारे गहरे, पहाड़ों पहाड़ों में है बसते हैं गांव मंदिरों की। हेलो हेलो हेलो,
दिन के भोजन की पूरे गांव के लिए तैयारी हो रही है। अभी बड़े बड़े गिड़ा बंठा चढ़ा चूल्हा में उतार दो। दिन के बज गए 12 और अब हुई हमारी विदाई। पिठाई लग के बिल्कुल मस्त होके अरसे उड़से दे रखे भाई ने, और अब सीन ये रहेगा कि हमें यहाँ से निकलना है कर्णप्रयाग और दुकान पे जाके मिलते हैं फिर आपसे। फिलहाल का सीन ये है कि मैं पहुँच चुका हूँ दुकान में और पहले कर लेते कॉपी पेस्ट कर लेते डेटा को और फिर मिलते हैं आपसे। चांदनी दुल्हन की शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट और चांदनी पहुँच गई कर्णप्रयाग। चांदनी दिखेगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में। चांदनी की बुआ लोग और हमारे श्याली लोग भी पहुंच चुके हैं आज घर और ये रखे हैं स्पेशल चांदनी की शादी के लिए। हेलो। तो आज दिन भर का रहा काफ़ी बिजी शेड्यूल और क्योंकि शॉप पे मैं अकेला हूँ एक दो दिन से, शाम के बज चुके हैं 7 बज चुके हैं और आज जल्दी जाना होगा रूम पे क्योंकि खाना भी खुद बनाना है और खाना भी है। तो एडिटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है ब्लॉग की और ब्लॉग मिल जाएगा आपको दूसरा वाला ब्लॉग कल मॉर्निंग तक। इस ब्लॉग को करते यहीं पे एंड। काफ़ी मज़ा आया आज दिन भर के ब्लॉग में क्योंकि गाँव में थे तो काफ़ी मज़ा आया गाँव में और दुकान पर आके थोड़ा आदमी बिजी हो जाता है। सो गाइज फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।